हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कच्ची क्यारी की लौंजी। लौंजी बनाने के लिए मैंने 3 क्यारियाँ ले ली है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं पहले इनके छिलके निकाल के इनको मैं काट लूँगी। क्यारी को मैंने लंबे लंबे टुकड़े करके काट लिए हैं। इसको हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, बहुत बारीक करने से ये बहुत सॉफ्ट है तो ये उसमें बिल्कुल गल जाएगी, तो इसलिए बहुत पतला इसको नहीं करना है। उधर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी हमें ऑयल को गर्म नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी कलौंजी, बगैर में हम दे देंगे इसमें कलौंजी और डाल देंगे सौंफ। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, जलना नहीं चाहिए, सिर्फ भूनेंगे इसको। उसके बाद हम इसमें ये कैरी जो है पूरी डाल देंगे और सारे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और जो हम रोज नमक खाते हैं थोड़ा सा वो नमक डाल देंगे। नमक हम अभी थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बाद में हम काला नमक डालेंगे तो उसके अंदर भी नमक रहता है, तो इस तरह से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा बीच में हिला देंगे और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हो गई कि नहीं हुई। और मैं बनाऊंगी आज इस लौंजी को गुड़ के साथ, क्योंकि गुड़ डालने के बाद ये लौंजी कैरी जो है वो गलेगी नहीं, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। कैरी सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से सारे मसाले। मसाले में मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च भी लिया है मैंने थोड़ा सा, इससे कलर अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको थोड़ी देर थोड़ा सा पका लेंगे। पहले कैरी जो है ये उबल रही है तो हमें बीच में चेक करना है इसको कि कैरी हमारी सॉफ्ट हो गई क्या, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी तो फिर उसके बाद ये फिर और सॉफ्ट नहीं होगी, इसलिए इसको पहले सॉफ्ट करके उसके बाद ही मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। अब हम इसमें थोड़ा गुड़ डाल देंगे और गुड़ गुड़ को मेल्ट होते ही इसमें भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। गुड़ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। गुड़ डालने के बाद अब ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर, और ये अभी हमको पानी जैसा लग रहा है थोड़ा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। अभी लौंजी तैयार हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया।